तो बच्चों स्वागत है आपका। हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, साथ ही साथ जनरल नॉलेज यानी जीके की तैयारी, जनरल स्टडीज को भी बोलते हैं इसको। तो आज का पहला प्रश्न है, त्रिपुरा में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर तथा रूरल कलेक्शन सेंटर्स का निर्माण हुआ और उद्घाटन भी हुआ है। ये असल में हमारे यहां हर जगह ही है कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने हुए थे, लेकिन अब ये सरकार ने बनाए हैं जिसमें फसलें, जैसे फसल की कटाई के बाद या तुड़ाई के बाद फल सब्जियां नुकसान हो जाता था किसानों का बड़ी जल्दी, तो सरकार ने, जो वहां की सरकार ने कीड़ा उठाया कि वो खराब ना हो, कोल्ड स्टोरेज का फ्री सर्विस दी जाए, सेवा दी जाए, और ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनको लंबी लाइफ मिले और जो जहां बेचना चाहे वहां तक वो पहुंचा सके, उनको टाइम मिल जाए। उनको कलेक्शन सेंटर भी वहां पे बनाया है, बहुत अच्छी सोच है सरकार की वहां की। अगला प्रश्न है, नाउ यू ब्रीथ के लेखक राखी कपूर, ये नई पुस्तक आई है, नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर। फिक्की ने 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राजेंद्र पवार को दिया है। फिक्की ने 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजेंद्र पवार को दिया है। फिक्की FICCI, फिक्की इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं हम, वो है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर बोल रहा हूं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये जो अवार्ड है राजेंद्र पवार को दिया। और राजेंद्र पवार को उन्हें पता, NIIT कंप्यूटर वाले, आपके कस्बों में भी कहीं कहीं NIIT का बोर्ड लगा होता, कंप्यूटर सेंटर बड़े प्रसिद्ध हुए थे पहले हर जगह। 17 नवंबर को ये पुरस्कार दिया गया था और उनकी जो कोशिशें रही हैं अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। CDP यानी कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ये एक NGO है, अमेरिका बेस्ड है, तो उन्होंने जलवायु कार्यवाही सूची में मुंबई को शामिल किया है, जो दक्षिण एशियाई देशों में पहला शहर है जिसको उन्होंने इस के योग्य समझा कि जलवायु कार्रवाई सूची में शामिल किया जाए। CDP यानी कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। 5 फुटबॉल के वर्ल्ड कप में, अब लगातार 5 यानी 20 साल हो गए बंदे को, 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं हम आप सारी दुनिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देखिए बंदे का जज्बा। उसके साथ वाले कई आए और कई चले गए, लेकिन ये डटा हुआ है, मेहनत कर रहा है, वही फुटबॉल खेल रहा है लगातार 20 साल से इंटरनेशनल लेवल पे, उसी स्टैंडर्ड से मेहनत लगातार उसी काम पे करनी है जो आप कर रहे होते हैं, ये दिखाता है हमें रोनाल्डो का करियर। अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने। अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10th प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, पानी की बोतल बिसलरी वाली कंपनी से, बिसलरी कंपनी को टाटा ने 7,000 करोड़ में खरीद लिया है भाई। बिसलरी कंपनी टाटा ने 7,000 करोड़ रुपए में खरीदी है। अच्छा, भारत के लिए एक और गर्व की बात है। अगले प्रश्न में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में 70% उनको वोट्स पड़े हैं और लोकप्रिय, नंबर 1 लोकप्रिय नेता हैं, पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड नरेंद्र मोदी। भारत में एक शिकार करने वाले कुत्ते तो थे, लेकिन अब शिकार रोकने के लिए, जो शिकार करते हैं उनको पकड़ने के लिए एक कुत्ता था, उसका नाम था जोरवा। भारत का वो पहला शिकार विरोधी कुत्ता था जोरवा, उसकी मृत्यु हो गई है, ये दुखद है, लेकिन एक नई प्रॉपर्टी शुरू करके गया वो जोरवा, इतिहास बना गया जोरवा नाम।
अभी हाल ही में एक घटना घटी जिसमें कि मिजोरम ने, मिजोरम जी हाँ नॉर्थ ईस्ट का राज्य है ये, इसने चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय दिया है। चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को मिजोरम ने आश्रय दिया है। ये जो आदिवासी थे चीन कुकी, ये बांग्लादेश से भागे हैं, बांग्लादेश से भाग करके आए, जान बचा करके आए हैं और इनको आश्रय मिजोरम में मिला है। एक और प्रश्न है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, जिसमें है कि यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, ओरियन नाम का अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इसरो भी पीछे नहीं है, 26 नवंबर को इसरो ने 9 उपग्रह भेजे हैं सतह के। 9 में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी ओशन सेट, इसको EOS-6 भी बोल देते हैं। EOS-6 हिंदी में इसको बोलते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं ओशन सेट। एक साथ 9 उपग्रह भेजे गए। एक उपग्रह भूटान के लिए भी भेजा गया था, INS-2B, छोटे सैटेलाइट हैं ये, लेकिन भेजे गए हैं, भूटान के लिए भी एक भेजा है। और ये जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी ओशन सेट है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है इसरो से संबंधित ही। इसरो ने RH-200 नामक साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। RH मतलब रोहिणी जो श्रृंखला है, यह मौसम तथा वातावरण अध्ययन के लिए समर्पित है। रोहिणी रॉकेट श्रृंखला मौसम तथा वातावरण अध्ययन के लिए समर्पित है, उसी से संबंधित ये प्रक्षेपण था जिसमें सफल परीक्षण किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ अर्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड के लिए भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया है। यह सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है यूएन का। यह वन्यजीव वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है ये, असम गुवाहाटी में इनका जन्म हुआ, वहीं की निवासी है ये। नेक्स्ट भी एक उत्सव से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं, प्रश्न लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। कडलेकाई परिषे महोत्सव, ये मूंगफली से संबंधित उत्सव है और कर्नाटक में मनाया जाता है। कडलेकाई परिषे, संगाई महोत्सव, अगला महोत्सव है संगाई। संगाई एक हिरण का नाम है जो प्रजाति इस समय खतरे में है, और ये असल में है मणिपुर में। तो उस प्रजाति को बचाने के लिए, उस प्रजाति के जीवन की रक्षा के लिए, अवेयरनेस के लिए एक ये उत्सव महोत्सव मनाना शुरू किया गया मणिपुर में। संगाई महोत्सव 2022 मणिपुर में हुआ, मणिपुर में, क्योंकि संगाई हिरण है। और एक और जानकारी दे दूं, ये जो हिरण है ये सिर्फ केवल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, बाकी हर जगह मार दिया गया है, खत्म हो गई है ये प्रजाति, बस यही पाया जाता है जो राष्ट्रीय उद्यान एक बचा है। राष्ट्रीय उद्यान में बचे हुए हिरण ये पाए जाते हैं संगाई। फिर से बोल रहा हूं, केवल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, केवल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पर ये संगाई हिरण पाया जाता है। पिछले दिनों 21 नवंबर को अनुराग ठाकुर ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने 53 घंटे
53 घंटे का चैलेंज दिया है, 53। ये चुनौती है 75 नए उभरते हुए फिल्मकारों के लिए। उनको 53 घंटे का टारगेट दिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया एट 100, मतलब अभी 75वां साल मनाया इंडिपेंडेंस का, जब हम 100 साल हो जाएगा इंडिया, तब भारत का भारत कैसा होगा, ये विचार वो लघु फिल्म में बना करके बताएं। चैलेंज 53 घंटे का चैलेंज, मतलब 53 घंटे का चैलेंज अनुराग ठाकुर ने दिया था, फिल्म बनानी है उनको, कि भारत के जब 100 साल हो जाएंगे आजादी के तो भारत कहां होगा, उनको क्या लगता है। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम, अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में है। इनको तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनाया गया है। जैव विविधता विरासत स्थल बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट बैंक से संबंधित। एयरटेल पेमेंट बैंक ने फेस यानी चेहरा आधारित ई केवाईसी की शुरुआत की है। ई केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो वो चेहरे को जैसे अंगूठा लगा करके मोबाइल को लॉक लगा देते हैं ना, तो अब वो चेहरा पढ़ेगा मोबाइल, उसके बाद केवाईसी होगी। एक योजना लेकर के आया हूं मैं सरस आजीविका मेला से संबंधित। देखिए ये सरस आजीविका मेला 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ है, और ये जो मेला है ये पूरे देश के स्वयंसेवी सभाओं, जो स्वयंसेवी संगठन है उनको समर्पित है। उनके जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे जगह मिलती है रखने की, उनको कस्टमर्स के पास सामने प्रदर्शित किया जाता है, फिर बड़े बड़े ऑर्डर्स उनको मिल पाते हैं। सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां के जो महिलाएं हैं खास करके जो काम करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उनको अच्छे कस्टमर्स मिले, उनकी आमदनी बढ़े। ये जो सरस आजीविका मेला है ये उन्हीं को समर्पित है। ये दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, और वहां उसी के जो मंत्री हैं मंत्री गिरिराज सिंह, ये मेला प्रगति मैदान में चल रहा है। दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील चीन तथा कतर के बीच हुई है। गैस ये जो रसोई गैस एलपीजी, इसकी जो डील हुई है दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइप डाली जाएगी। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम शेर बहादुर देउबा है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। 2022 का एयर फेस्ट नागपुर में आयोजित हुआ। 2022 का एयर फेस्ट नागपुर में आयोजित हुआ। 25वां और लास्ट प्रश्न है आज के लिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयंबटूर में जंबो ट्रेल्स नामक योजना की शुरुआत की। जंबो ट्रेल्स असल में एक योजना है जिसमें जो वहां इसमें टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में लोग घूमने जो आते हैं उनको जानकारी देनी है वहां के हाथियों के बारे में, वनस्पति जो वहां के हैं जीव जंतु और हैं उनके बारे में, तथा वहां जो रहने वाले आदिवासी हैं उनसे अवगत कराने के लिए। तो ये बहुत अच्छा आपका जो अगर भ्रमण के लिए वहां जाएं बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि अब जंबो ट्रेल्स नामक योजना भी वहां पे शुरू कर दी गई है। और दोस्तों जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप दुनिया में बेस्ट हैं, ये बात किसी से पूछने की नहीं है, आपको खुद महसूस होना चाहिए कि आप बेस्ट हैं। और लगातार मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।